बचपन में सीखी बातें और साथियों के साथ की गई हंसी ठिठोली हमें हमेशा याद रहती हैं। पढ़ाई लिखाई का हमारा उद्देश्य बच्चों को वो जरूरी बातें सिखाना समझाना होता है जो उनके आने वाले जीवन में काम आएंगी। तो ये जरूरी है कि बच्चे पूर्ण रूप से ये सारी जानकारी ग्रहण करें। इसलिए हमने सोचा क्यों ना कक्षा की चार दीवारी के बाहर ले जाकर बच्चों को कुछ नए तरीके से पढ़ाया जाए। सब बच्चे ध्यान से देखें इस किले को। देखा है कभी किसी ने? बच्चों को घुमाने ले जाने के लिए बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं, जिनमें से कुछ जरूरी बातें हैं। घूमने जाने वाली जगह का चुनाव, जो उस स्थान की स्कूल से निकटता व सुगमता के कारण ही चुना गया। अच्छा, कोई जानता है इस किले का नाम? बोलो। मैम, इस किले का नाम किला राय पिथौरा है। बच्चों को उस स्थान की तस्वीरें दिखाई गई और फीडबैक लिया गया कि वो पहले से इस स्थान के बारे में कितना जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। सुना है पृथ्वीराज चौहान का नाम? हाँ, बोलो। मैम, पृथ्वीराज चौहान बहुत महान राजा थे जिन्हें मोहम्मद गौरी ने चीट करके डिफीट किया था। फिर उन्होंने बंदी करके ले गए और उन्हें ब्लाइंड करा दिया। फिर उन्होंने एक आर्चरी के कॉम्पिटिशन में अपने मिनिस्टर के मदद से मोहम्मद गौरी से बदला लिया और उन्हें मार डाला। इस किले का नाम है किला राय पिथौरा। बैठ जाओ। ये किला पृथ्वीराज चौहान के समय में बना था और यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं मैंने आपके एसएसटी टीचर से भी इसकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करी है। और कोई जानता है इसके बारे में कुछ? किला राय पिथौरा के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और ये भी सामने आया कि सभी बच्चे वहाँ जाने के लिए उत्सुक थे। लेकिन ये मॉन्यूमेंट हमारे स्कूल के बहुत नजदीक है। प्रोजेक्टर बंद कर दो बेटा। पिकनिक पे जब हम जा रहे हैं तो हमने वहाँ करना क्या क्या है वो सबसे ज़रूरी है जानना। हम वहाँ पर बहुत कुछ करेंगे, जैसे मैपिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग, स्केचिंग और नेचुरल स्टडी। नेचर स्टडी करते हैं ना जैसे हम स्कूल में, वैसे। हाँ, बोलो। नेचर स्टडी क्या होता है? नेचर स्टडी जैसे हम, बैठ जाओ, नेचर स्टडी जैसे हम। पर स्कूल के एजुकेशनल ट्रिप का मतलब सिर्फ घूमना भर नहीं होना चाहिए। इसका असली मकसद तो यह होता है कि बच्चे कक्षा में जो पढ़ाया गया उसे अपने आसपास के सामाजिक परिवेश में प्रैक्टिकल रूप में होता देखें। सब अपनी नोटबुक और पेंसिल और पेन निकाल लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? आप सभी इसके किले का ठीक से स्पेलिंग लिखिएगा, आपको पता होने चाहिए, ठीक है? किला राय पिथौरा, ठीक है। अब पिकनिक जाते हैं तो सबसे पहले क्या मन में आता है? स्नैक्स, खाने पीने की चीजें, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सभी बच्चे पानी की बॉटल और टिफिन जरूर लाएंगे, ठीक है? और कोई बच्चा जिसको उस दिन अच्छा फील नहीं हो रहा, आप मेडिकली फिट नहीं है, तो आप सब बच्चे बताएंगे, हमें इन्फॉर्म करेंगे पहले ही, क्योंकि हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स टीचर भी जाएंगे, मंगल सर जाएंगे और उनके पास फर्स्ट एड किट भी होगा, ठीक है? तो आप उनको कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको अनईजी फील हो रहा है तो, ठीक है? और सबसे अच्छी बात यह है आप पूरी तैयारी के साथ आएंगे। मैं आपको सारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग सब बच्चों को इक्वली डिवाइड कर दूंगी, ठीक है? हर एक रो को एक एक टास्क मिलेगा करने को और वो बच्चे उसी के हिसाब से अपनी तैयारी से आएगा, ठीक है? जैसे इस रो को फोटोग्राफी दे दें? यस मैम। खुश हो? यस मैम। कक्षा में सवाल जवाब हुए और फिर बच्चों से बातचीत करके यह निर्णय लिया गया कि वहाँ जाकर क्या क्या एक्टिविटीज की जा सकती हैं। टीम लीडर्स निर्धारित किए गए। बच्चों के साथ घूमने जाने के लिए जो सबसे जरूरी बात थी वो यह थी, उन्हें डूज और डोंट्स बताना, यानी कि क्या क्या बातें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए और क्या क्या बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। सब लेके आएंगे, डोंट फॉरगेट। कोई आगे ये नहीं बोलेगा मैम मैं नहीं लाया, ठीक है? और दूसरी बात, मैपिंग वाले बच्चे जो है वो शीट लेके आएंगे, व्हाइट शीट ही लाना, ठीक है? A4 शीट नहीं, बड़ा चार्ट पेपर, व्हाइट चार्ट पेपर लेके आएंगे, मार्कर्स लाएंगे और स्केच पेन लाएंगे, ठीक है? और जैसे आपका ये टीम वर्क होगा तो आप उस हिसाब से करेंगे, ठीक है? और हाँ जी, बोलो।
और इस तरह से बच्चों के सहयोग से घूमने जाने से पहले वाली सारी तैयारियां पूरी कर ली गई। बस इंतजार था तो उस दिन का, जब हमें किला राय पर थोड़ा घूमने जाना था। और सबसे बड़ी बात है, आपका कंपटीशन अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन से है कि आप कितना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो सारे बच्चे परसों पूरी तैयारी के साथ आएंगे और कोई बच्चा एब्सेंट नहीं होगा। ठीक है? एब्सेंट मत होना। हम आज आके खूब ड्राइंग्स करेंगे, स्केचिंग करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, घूमेंगे और खूब मस्ती करेंगे। तैयार हो? यस मैम। ठीक है। और आखिर वो दिन आ ही गया। बच्चे बहुत ही खुश थे और पूरी तैयारी के साथ आए थे। बच्चे ना सिर्फ मौज मस्ती कर रहे थे बल्कि ये भी सोच रहे थे कि किस तरह से अपना अपना काम बेहतर तरीके से करेंगे। एक्टिविटीज शुरू करने से पहले ये जरूरी था कि बच्चों को कुछ दिशा निर्देश दिए जाएं। कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत अच्छा। चलिए अब आपके एसएसटी टीचर आपको यहाँ के बारे में विशेष बातें बताएंगे। सर बताइए। तो यहाँ पे लाल कोट यानी पहला किला जो तोमर राजपूतों का है, वो उन्होंने सबसे पहले अपना किला यहाँ बसाया। जब बहुत दिनों तक उनका समय चला यानी क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे, पूरे इंडिया पे इनका राज नहीं हुआ करता था, तो ये क्षेत्रीय राजा के रूप में तोमर राजपूतों का राज चला। जब बाद में जो बगल वाले जो राजा जो ज़्यादा पावरफुल अपने आप को समझते थे, वो अपने एरिया को एक्सपेंड करते थे, तो उन लोगों ने दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश की। और इस दौरान यहाँ जो देख रहे हैं जो एरिया जिसे कि अनंग पाल ने बसाया था, उसको पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान जो आप जनरली नाम सुनते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्ट टीचर से राय पिथौड़ा के बारे में जानकारियां ली गई, बच्चों के साथ सवाल जवाब हुए। ये ट्रेडिशन में था लोगों का कि जब कोई पावरफुल अपने आप को दिखाना चाहता था तो अपने बगल वाले इलाके को, काफी दूर तक इलाके, जहाँ तक उसकी कैपेसिटी है, जहाँ तक वो जीत सकता है, जीत करके अपनी क्षमता को दिखाते थे लोग। तो राय इलाका जो आपने देखा है शुरुआत में, ये तोमर राजपूतों का इलाका था जिसको कि पृथ्वीराज चौहान ने जीत करके अपना इलाका बसाया। और जब उसने बसाया यहाँ पे किला तो उसका नाम पड़ा किला राय पिथौरा। यानी इससे पहले लाल कोट जो तोमर राजपूतों का है, और जब यहाँ पे शुरू हुआ तो ये पृथ्वीराज चौहान का यानी किला राय पिथौरा, पहली दिल्ली इसे बोलते हैं। खाली पेट भजन नहीं होते, इसलिए एक समूह में मिल बांट कर भोजन करना भी इस ट्रिप का एक उद्देश्य था। सब इस जानकारी को याद रखेंगे क्योंकि हमने आने वाली जो अभी एक्टिविटीज करेंगे उसमें पूरा पूरा उपयोग करना है इसका, लेकिन अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को निकालेंगे, लेकिन उस जानकारी को भी भूलेंगे नहीं। ठीक है? भूख लगी है? ठीक है, अभी हम नाश्ता करेंगे, उसके बाद अपनी अपनी एक्टिविटीज में ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है? चलिए अभी हम नाश्ता करने के बाद और आगे अपनी एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है? भोजन के बाद एक्टिविटीज शुरू कर दी गई।
हमने चारों ग्रुप्स के लिए चार एक्टिविटीज चुनी थी, फोटोग्राफी, स्केचिंग, नेचर स्टडी या मॉन्यूमेंट स्टडी और मैपिंग। कुल मिला के सारा दारोमदार बच्चों पर था। फिर आपने स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं। स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है कि छोटी, जैसे आप दिल्ली की कर सकते हैं बात कि 10 किलोमीटर को आप इतना में दिखा रहे हो। ये वाला व्यू ज्यादा अच्छा लगेगा। किस तरह के फ्रेम्स बनाने हैं, क्या फोटोग्राफ लेनी है, ये सब बच्चों का अपना विजन था। सेंटर पे रखियो। मॉन्यूमेंट स्टडी के बच्चे भी टीचर से जानकारियां लेते नजर आए। कलर कैसा है, किस तरीके से इसको आर्किटेक्ट, किस तरीके इसको प्लेस करके एक वॉल को बनाया गया है। तो आपको मॉन्यूमेंट स्टडी यही कहलाती है कि किस प्रकार का जो मटेरियल है उससे एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट जो है वो तैयार हुआ है। तो कुछ बच्चे अपनी समझ से ही स्केच बना रहे थे। तो ये देख रहे हैं बेटा, ये किलाए राज पिथौरा का मैप है। मैपिंग वाले सब बच्चे टीचर के सहयोग से अपने अपने अलग अलग मैप्स तैयार कर रहे थे। स्केल का मतलब है कि जो ये डिस्टेंस यहाँ दिखा रहा है ये इतना 1 किलोमीटर के बराबर है, ये 1 किलोमीटर के बराबर। यानी कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इस स्केल से मेजर करके पता कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस का रहा होगा ये। तो आपको देखिए कि ये जो इलाका जहाँ हम लोग खड़े हैं, लेकिन सबको एक ही मैप तैयार करना होगा। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही तक किला राय पिथौरा है, बल्कि एक बहुत बड़ा इलाका है ये। वो बाउंड्री देख रहे हैं आप। तो ये ग्रुप लीडर की ही जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से वो सबका योगदान सुनिश्चित करता है। अभी आप इसके इनिशियल स्टेज पर हैं, तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन जो कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अपने व्यू से आपको इसको स्केच करना है, इसको ड्रॉ करना है, और एटलीस्ट आपको इसके बारे में जो समझ में आए उसकी 4 या 5 लाइन ज़रूर लिखनी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को? इस तरह से पूरा दिन बहुत ही जोर शोर से बीता। बच्चों ने वो सब सीखा जो कक्षा की 4 दीवारी में उन्हें सिखाना कठिन होता। बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ी और आपसी सहयोग दिखा। कुछ बच्चों की लीडरशिप क्वालिटीज निखरी तो कुछ को फॉलोअर्स बनने के गुण भी पता चले। मेरा नाम जितेंद्र है, मैं फोटोग्राफी ग्रुप का लीडर हूँ। ये मेरी टीम है। हम लोगों ने किला राय पिथौरा का पूरा सर्वे किया था। हमें फोटोग्राफ खींचने में बहुत मजे आए थे और हमने वहाँ पे बहुत सारी फोटो भी खींची थी। मेरा नाम युक्ता है और मैं नेचर स्टडी ग्रुप की लीडर हूँ। मुझे पहली बार पता चला है कि एक लीडर को अपनी ग्रुप को लीड करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन मेरी ग्रुप भी बहुत सपोर्टिव है, इसलिए मेरी थोड़े ही देर में बोर्ड तैयार होने वाला है। मेरा नाम चंचला है और मैं मैपिंग ग्रुप की लीडर हूँ और ये मेरी टीम है। मैपिंग सबके लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था। हमने कभी पहले मैपिंग नहीं करी थी। जब हम किला राय पिथौरा गए तो हमने उस किले को हर जगह से सर्वे किया और स्टैंडर्ड सिंबल्स बनाए और सबने अलग अलग मैप बनाए थे अपने, लेकिन लास्ट में हमने सभी के सिंबल्स और मैप की इंफॉर्मेशन को एक ऑथेंटिक वे में तैयार किया और ये फाइनल मैप बनाया। इस मैप को बनाने में हमारी पूरी टीम ने एक साथ कोऑपरेट किया और मिलकर ये मैप बनाया और इस मैप के लिए हम सब ने इक्वल मेहनत की है। थैंक यू। अब बारी थी फीडबैक की, यानी कि बच्चों को घुमाने ले जाने का जो उद्देश्य था हमारा, उसका
आकलन करने की। मेरा जो पर्पस था इस पूरे विजिट को कराने का, वो इस विजिट के आउटकम के बाद सॉल्व हुआ है। किस तरह से बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी निकाली है, स्कूल के पैरामीटर से बाहर जाकर किस तरह से उन्होंने इस किले को देखा और किस तरह से उन्होंने उसको अपने एस्पेक्ट से बनाया है, वो काबिले तारीफ है। जैसे कि ये नेचर स्टडी है, ये सिर्फ एक नेचर स्टडी नहीं था, ये एक मॉन्यूमेंट स्टडी था, जहाँ पर बच्चों ने ना केवल नेचर को, मॉन्यूमेंट को भी देखा और कैसे उन्होंने अपने तरीके से इसको पेंट किया, कैसे अपने तरीके से इसको बनाया। सो जस्ट नाउ यू हैव सीन चिल्ड्रन हैव विजिटेड किला पिथौरा एंड आफ्टर विजिटिंग इट दे हैव जस्ट ड्रॉन अ लॉट एंड इन द ड्रॉइंग दे हैव गिवन कैप्शंस। सबसे अच्छी बात ये थी कि सभी टीचर्स इस आयोजन में अपने अपने सब्जेक्ट की एक झलक देख रहे थे। आई एम अ मैथ्स टीचर और यहाँ पर आके बच्चों की ये जो एक्टिविटीज हैं, ये फोटोग्राफी। इंग्लिश टीचर्स जहाँ बच्चों के लिखे आर्टिकल्स पढ़कर बहुत खुश हुई, तो मैथ्स टीचर्स भी स्केचिंग में प्रयोग हुए ज्योमेट्रिकल शेप्स और लाइन वेरिएशंस देखकर खुश थी। मैं इस पूरी ट्रिप के दौरान बच्चों के साथ ही रही। मैंने देखा कि बच्चों ने इस ट्रिप में बहुत इंजॉय किया और इंजॉय करने के साथ साथ बहुत नॉलेज भी गेन की। आपके जो चेहरों की मुस्कुराहट से ऐसा लगता है कि वास्तव में यू हैव एंजॉयड दैट। और ये नया प्रयोग बच्चों की कला शिक्षा में एक नए पड़ाव की तरह रहा। ये तो बस शुरुआत है।